हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि M416 में से और AKM में से बेस्ट गन कौन सी है। तो देखेंगे इन सब का रिकॉयल, मूव, पावर, सब कुछ जो भी है, मतलब कितना डैमेज करती है, कितनी स्पीड से चलती है, सब कुछ देखेंगे। तो पहले नंबर पे हम पहले बात करने जाएंगे AKM के बारे में, ठीक है। AKM ये असॉल्ट राइफल है, ठीक है। सिंगल इसमें ऑटो मोड अवेलेबल है, वो तो उसमें भी है, ठीक है। 7.62 की MM की बुलेट्स लेती हैं। तो आपको मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा कौन से सबसे सही गन है, ठीक है। नेम इसका ये आपने डैमेज देख लीजिए इसका, 49 डैमेज है। स्पीड 715 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेंज इसकी 100 और 1000 मीटर्स में है, ठीक है। फायरिंग मोड सिंगल ऑटो दोनों, रेयरिटी कॉमन मतलब अनकॉमन ये मिल जाएगी, मतलब मुश्किल से नहीं पर ठीक ठाक मिल जाएगी। नॉर्मल मैगजीन मतलब कि इसमें 30 बुलेट्स आती हैं, एक्सटेंडेड मैग लगाओ तो यहाँ पर आ जाती हैं 40, ठीक है। तो क्विक लोड इसका 2.9 सेकेंड का इसका नॉर्मल लोड है, पर क्विक लगा दो तो 2.25 हो जाता है, जो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी सुधार आ जाता है। कैपेसिटी 500 की है, ठीक है। बुलेट टाइप 7.62। तो चलिए आप बात करते हैं M416 की। तो भैया यहाँ पे देख लीजिए M416 इसका नाम है, ठीक है। आपको मैं इसका M416 फायदे, इसमें 5.56 के MM के गोलियाँ लगती हैं, ठीक है। इसमें सिंगल शॉट और ऑटो दोनों है, इसके साथ बहुत सारी अटैचमेंट जुड़ाई जा सकती हैं, ठीक है। M416 राइफल इसका देख लीजिए डैमेज कितना है, और उसका देख, उसका 49 था यहाँ के, इसका देख लीजिए इसका है 43 डैमेज है, ठीक है। इसकी स्पीड 900 है, उसकी 715 थी कि आई थिंक 745 थी, इतनी थी। तो मतलब इसकी गोलियाँ ज़्यादा स्पीड से निकलेंगी, उसकी गोलियाँ ज़्यादा कम स्पीड से निकलेंगी, पर उसकी वाली गोली ज़्यादा भारी होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, उसके बाद नीचे 100 और 400 मीटर की इतनी रेंज में चलती, उसकी रेंज ज़्यादा है इससे, उसकी 1000 मीटर, मतलब उसको आप ज़्यादा दूर चला सकते हो, ठीक है। सिंगल ऑटो अनकॉमन, नॉर्मल मैग कितना है इसका, 30 राउंड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 30 है, तो एक्सटेंडेड मैग लगाओ तो 40 हो जाता है, ठीक है, सेम है उधर का। यहाँ पे इसकी नॉर्मल, इसका लोड टाइम उससे कम है, ठीक है। तो कैपेसिटी दोनों की 500 है। बुलेट टाइप कितनी है, 5.56, ठीक है। तो अब मैं अपना डिसीजन बताऊँगा कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। देख लीजिए कि जो 7 पॉइंट वाली गोली होती है उसमें ज़्यादा दम होता है, ठीक है। तो उसकी मतलब भारी है गोली, उसकी 49 डैमेज करती है, इसकी 43 करती है, पर इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है कि मतलब ये एक टाइम पे, एक सेकंड पे ज़्यादा मतलब बुलेट्स फायर करेगी उससे। तो अब यहाँ पे डिसीजन ये है कि उसका क्या बोलते हैं, रिकॉयल ज़्यादा है, इसका रिकॉयल कम है। तो मैं अपना दिखाऊँ तो मैं बताऊँगा आपको कि सब मैं बोलता हूँ AKM को लेना, क्लोज डैमेज में AKM, लॉन्ग में तो AKM चलेगी नहीं। अगर आपके पास कोई मतलब उसको एक जगह ठीक करने के लिए नहीं, वो तो बहुत हिलेगी, दूसरी दूर जाएगी तो ठीक है, पर अगर दूर देखा जाए तो इसका तो फायर ही नहीं पहुंचेगा 500 मीटर से ऊपर, पर उसका तो 1000 मीटर तक जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो लगता है AKM ज़्यादा अच्छी है। तो किंग ऑफ असॉल्ट राइफल ग्रोज़ा को छोड़ के वो है AKM है। AKM इज़ द गॉड ऑफ AKM।